बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूअर्स, उम्मीद रखती हूँ मेरे देखने वाले जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे। आज मैं नई रेसिपी माश की दाल बना रही हूँ, और माश की दाल के अंदर ऑयल मेरा ख़त्म हो गया, और एक पाव चम्मच के अंदर दो ये चम्मच डाले ऑयल, ठीक है सॉरी, और बस बस ये दो टमाटर हैं, ये चार मिर्ची है, ये धनिया है, और ये सन का पेस्ट है। सॉरी मैंने बनाया था वो फ्रिज में रख दिया तो वो बर्फ हो गया, सही है। ये अदरक लहसुन हल्दी का पेस्ट है, पीसा है इसको। ये है माश की दाल एक पाव, और इसको मैंने उबाली है, इसको मैंने तकरीबन 15 से 20 मिनट उबाला है, और ये देखिए पिस गई है, ये देखिए। और अभी हमारे प्याज हो गए ब्राउन, बस ये देखिएगा प्याज ब्राउन हो गए, डालेंगे पेस्ट, डालेंगे टमाटर, ये हरी मिर्ची है, ये हरी मिर्ची डालेंगे। अब डालेंगे रेड मिर्ची, ये एक चम्मच रेड मिर्ची है। इसमें डालें ऐड करेंगे ज़ीरा, ये है ज़ीरा चम्मच चौथा हिस्सा, ये हल्दी, हल्दी भी आधा चम्मच, और हल्के हल्के टमाटर की रेसिपी रह गई है। माश की दाल है, इसमें सब मसाला ऐड किए हैं, नहीं करेंगे हल्का हल्का, ये मसाला जो हुआ ना इसमें थोड़ा सा, ये माश की दाल खड़े मसाले से बनती है। माश की दाल का ये फ़ायदा होता है, ये जिनको घुटनों में दर्द होता है या जोड़ों का दर्द होता है, इसके अंदर ऐसी मिनाविट होती है जो ये डॉक्टर भी बताते हैं। माश की दाल, भिंडी, और जिनको वो होता है थोड़ा गूदा कम हो जाता है, जब पाए बताते हैं बड़े के पाए खाओ, दाल खाओ, भिंडी खाओ, जिसकी चिकनाहट गूदा कम हो जाता है जोड़ों में उसको बताते हैं। और भी बस आप ये नहीं बोलिएगा भाई आप ऐसी बातें क्यों बताती हैं, मैंने भी 15-18 साल मैंने पूरी की है नर्सिंग की, और इस वजह से मुझे इन चीज़ों का, तभी मैं बोलती हूँ मेरे से कोई फ़ायदा ले ले। इसको हम 5 मिनट देंगे दम, दाल हमारी तैयार हो जाएगी। और भी बस आप भी लाजमी बना के इस्तेमाल करिएगा। अच्छा भी बस ये
ये हमारी माँस की दाल तैयार होगी। इसमें हमने हरा धनिया भी ऐड कर दिया और मसाले जब ऐड किए थे आपको बता दिया था। अगर हमारी ये रेसिपी आपको पसंद आए तो हमारे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अच्छा सा हमें कमेंट कीजिएगा, हम आपको कमेंट पे जवाब ज़रूर देंगे। तो फिलहाल चाहेंगे अल्लाह हाफिज़ आपसे, नए ब्लॉग से अल्लाह हाफिज़।